खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। हमेशा विवादों में घिरा रहने वाला उमरिया जिले के वीर सिंहपुर पाली नगर पालिका परिषद में नगर पालिका अध्यक्ष उषा कोल की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़ा करते हुए नगर पालिका परिषद के 10 पार्षदों ने नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ जिला कलेक्टर को विश्वास मत प्रस्ताव पत्र सौंपकर पद मुक्त करने की मांग की है, जिसमें कांग्रेस के 3 पार्षद, निर्दलीय एक और रही बात करें तो भाजपा के 6 पार्षद शामिल है। हम आपको बता दें कि अध्यक्ष के खिलाफ विश्वास मत प्रस्ताव पत्र जारी करके नगर पालिका अध्यक्ष पद से मुक्त करने की कलेक्टर से गुहार लगाई गई है। पार्षदों का कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष का रवैया ठीक नहीं है, कार्यशैली ठीक नहीं है। सभी वार्डों में जहां भी कार्य हुए हैं पूरी तरह से गुणवत्ता विहीन कार्य किए गए हैं, ना तो इसकी जाँच कराई जाती है और ना ही किसी पार्षदों की सुनी नहीं जाती है। नगर पालिका में पार्षदों के साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है, जबकि वही इस मामले को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष उषा कोल का कहना है कि अभी मुझे ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है और ना ही मुझे कोई पत्र प्राप्त हुआ है और जब बात गुणवत्ता की आएगी तो पूरा श्रेय इंजीनियर संतोष कुमार पांडे को दिया है। अपने 10 पार्षद हैं, वर्तमान अध्यक्ष के खिलाफ अपन विस्तार प्रस्ताव लेके आए हैं, कलेक्टर साहब को अपन ने ज्ञापन भी दिया है, इसकी मांग भी की है अपन ने कि विस्तार प्रस्ताव को जो है कानूनी तौर पे जो है क्रियान्वयन बिंदु किया जाए और काम जितने वार्डों में चलते हैं सारे गुणवत्ताहीन हैं और गुणवत्ताहीन में कहीं ना कहीं जो है अध्यक्ष संलग्न है, जो कि पार्षद अगर किसी चीज़ को बोलते हैं तब भी उनकी अनसुनी बात कही जाती है और न बात मानी जाती है और किसी की भी अगर फाइल TS ये टेंडर के लिए आता है फाइलें फेंक दिए जाते हैं, वार्डों में काम नहीं हो रहे हैं, यही सारे पार्षदों का क्रोश है, इसलिए अपन ने कल गए थे तो कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। हम लोगों ने 10 लोग जाके कल कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और अध्यक्ष को हटाने की मांग की है। क्या कुछ समस्या जा रही है? अरे बहुत समस्या, 4 साल से हम लोग समस्या ही झेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं। उनको अपना मन मानी करना है, हम लोग कुछ कहते हैं सुनती नहीं है। पूरे सड़कों में गुणवत्ता विहीन रोड बनी है और हम लोग कांग्रेसी पार्षद भी हैं और सब कोई असंतुष्ट ही है अध्यक्ष से, इसलिए हमारी मांग है कि अध्यक्ष को हटाने की कृपा करें। तो कितने लोग थे कांग्रेस के लिए? 3 पार्षद, कांग्रेस के 3 पार्षद थे, भाजपा के 6, एक निर्दलीय। 10 पार्षद हैं तो 10 पार्षद मतलब हम लोग, एक तो वार्ड का विकास नहीं होता रहा, हमारी विष्णुपुर पाली की अध्यक्ष उषा कोल के असंतुष्टजनक व्यवहार के चलते और उनके मतलब महिलाओं के प्रति मतलब उनका रवैया अच्छा नहीं था, जिसके कारण मतलब हम लोग कलेक्टर के पास जाके अविश्वास प्रस्ताव पारित किया, जिससे कि उनको उनके पद से निरस्त किया जाए, जिससे कि और हमको तो जो जनप्रतिनिधि जो जनता चुनी है तो बाट के विकास के लिए चुनी है, तो 2017 से जो भी क्या कहते हैं काम मतलब चुनाव हुआ है तो आज तक तो कोई भी काम नहीं हुआ है और इसी कारण से कई पार्षद भी PIC से इस्तीफा दे चुके हैं जो कि अपने पाली का विकास नहीं हुआ। देखिए, इस बात की तो मुझे जानकारी ही नहीं है, जो 6 पार्षद हैं हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक बार यदि भाजपा से जुड़ जाता है तो वह भाजपा की रीति नीति से पूर्ण रूपेण अवगत हो जाता है और यदि ऐसा किसी ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ या किसी भावना से हाथ होकर किया है तो उसकी मैं चर्चा करूंगा, पार्षदों के साथ बैठूंगा, अध्यक्ष के साथ बैठूंगा। बाकी मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि हमारी परिषद थी और हमारी परिषद के सभी पार्षद एक हैं, हमारी अध्यक्ष है और सभी को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त है, विश्वास प्राप्त है जनता का, तो निश्चित ही हमारे जनप्रतिनिधि आगे आने वाले दिनों में भी अच्छा काम करेंगे। अविश्वास की बात जो है इसके लिए कोई पत्र मेरे पास अभी तक नहीं आया है और इसकी जानकारी अभी ज़्यादा नहीं है मुझे। कहीं कहीं उनका कहना है कि आपके कार्य से नाराज है, गुणवत्ताहीन कार्य, आपके ऊपर ऐसा आरोप लगा रहे हैं, उनका कार्य सही नहीं है, पार्षदों के साथ आपका दुर्व्यवहार करती है, ऐसा पार्षदों ने आरोप लगाया आपके ऊपर। जहाँ तक मैं जानती हूँ और हमारे नगर के लोग भी जानते हैं कि पिछले 4 पंचवर्षीय में जो काम नहीं हुआ है वो हमारी परिषद द्वारा किया गया है और हो भी रहा है और आगे भी होगा। रही गुणवत्ता की जो बात कर रहे हैं पार्षद लोग, तो कभी किसी पार्षद ने गुणवत्ता के लिए कोई भी लेटर या पत्र नहीं दिया है यहाँ, ना मुझे ना यहाँ ऑफिस में, और गुणवत्ता की जो बात होती है ये इंजीनियर का रहता है।
उमरिया से नीरज रघुवंशी की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।